अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीडीए कॉलोनी में युवक का शव मिला है। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है। अवधपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, बीडीए कॉलोनी में युवक का शव मिला। अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अवधपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र का मामला, पीडीए कॉलोनी में युवक का शव मिला है। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका जताई गई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, बीडीए कॉलोनी में युवक का शव मिला है। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है। अवधपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिजवान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, बीडीए कॉलोनी में युवक का शव मिला है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं? बिल्कुल बताना चाहूंगा पूनम, राजधानी भोपाल के अवधपुरी थाने क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी में युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है 30 से 35 साल की युवक की उम्र बताई जा रही है। घर में ही युवक की लाश मिली है। शादीशुदा महिला के युवक से संबंध हो सकता है क्या, इसी के चलते उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। मामले आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज लगे उनकी उनको खंगाल रही है। जी जी रिजवान, जो महिला है जिसे, तो उसके परिवार की तरफ से क्या कुछ शिकायत भी की गई थी पहले, और किस तरीके का, मतलब पहले की कुछ चीजें जो सामने आ पाई हो कि पति पत्नी के बीच विवाद चला हो, इस तरीके की कोई बात? बिल्कुल साफ तौर से पुलिस मामले में जांच कर रही है और पूरे जो परिवार वालों से, लड़के को लड़की के दोनों परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। अभी कुछ भी बोलने को जो परिवार वाले हैं वो इस मामले में तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस का साफ तौर से कहना है जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जी जी शुक्रिया रिजवान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बीडीए कॉलोनी में युवक का शव मिला। 30 से 35 साल युवक की उम्र बताई जा रही है। महिला, एक शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध के चलते जो है ये हत्या की आशंका यहाँ पर पुलिस की तरफ से जताई गई। हालांकि पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है।